ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तु व्यम हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जो उपाय लेके आए हैं वो उपाय है धन प्राप्ति के लिए। आपको कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं को आप दूर कर सकें। और हाँ दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके धन से जुड़ी समस्याएं को दूर करेंगी। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूझते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जो पहला उपाय हम आपके लिए बताने जा रहे हैं वो उपाय है बेलपत्र का उपाय, जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। इसमें आपको करना क्या होगा कि सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह स्नान करके आपको पास के शिव मंदिर में जाना है। एक बेलपत्र आपको लेकर जाना है और आप जो एक बेलपत्र लेकर जाएंगे उस पर लाल चंदन लगा कर आपको शिवलिंग पर लगा देना है। इसके बाद आपको महादेव जी से अपने मन की जो भी समस्याएँ हैं आपको बोलना है और उनसे प्रार्थना करना है, आपको जाप करना है। दोस्तों ये उपाय करने के बाद शिव जी आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी करेंगे। तो ये था दोस्तों पहला उपाय। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर में आपको दीप दान करना है। दोस्तों अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। यह तो सभी को पता है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। गणेश जी की दो पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है। इसका अर्थ होता है सुख और संपन्नता। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। दोस्तों ये था दूसरा उपाय। पढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों आप मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढककर उस पर 7 बेलपत्र चढ़ा दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और कभी भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों यही थे तीन उपाय जो आपको हम बताना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके धन से जुड़ी समस्याएं को दूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जो उपाय हमने बताए हैं इसको पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ कीजिएगा। महादेव जी आपकी जो भी समस्याएं हैं धन से संबंधित वो समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।